दोस्तों ये है आपके सामने महिंद्रा बुलेरो न्यू N8 मिड वेरिएंट और ये इसका रेड कलर जो बहुत शानदार लगता है। आज आपको इसी का एक रिव्यू दे देते हैं, एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देते हैं, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है क्षितिज, आप देख रहे हो इंजन विद AVs, लेट्स बिगिन। चलते हैं सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट की तरफ। ऊपर की तरफ आपको एंटीना मिलता है, ये विंडस्क्रीन में रेगुलर वाले वाइपर मिल जाते हैं वॉशर के साथ, बोनट आपको कैरेक्टर लाइंस के साथ मिलता है, 6 वर्टिकल स्लैट्स वाली रेडिएटर ग्रिल मिलती है, पूरा सिल्वर फिनिश में दिया गया है, नया लोगो बीच में महिंद्रा का मिलता है और नीचे जो स्किड प्लेट मिलती है वो भी ब्लैक ही मिलती है। हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो ये आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई भी DRL नहीं दिया है, ये आपकी पार्किंग लाइट पायलट लैम्प भी बोल सकते हैं और ये टर्न इंडिकेटर, नीचे फॉग लैम्प नहीं दिया है। पियानो ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग मिलती है ताकि बम्पर में पेंट में स्क्रैच न लगे। नीचे भी एयर इनटेक के लिए दिया गया है हनीकॉम मेश पैटर्न में। चलते हैं गाड़ी के साइड की तरफ, तो अभी फुटस्टेप नहीं लगी बट एट टाइम ऑफ डिलीवरी कंपनी आपको ये लगा के देगी। कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल यहाँ पे सेफ्टी के लिए दिया है। बात करें यहाँ पे व्हील्स की, 215/75R 15 इंच के यहाँ पे आपको व्हील कवर के साथ में ब्लैक रिम्स मिलते हैं, गुडियर के टायर है, ABS with EBD देखने के लिए मिल जाता है, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस 180mm का दिया है यहाँ पे। आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। अब व्हील आज से लेकर के सामने वाले बम्पर में और पीछे वाले बम्पर में क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाती है ब्लैक फिनिश में, और ये जो ब्रीडिंग है सिग्नेचर बुलेरो की वो तो देखने के लिए मिलती है। ORVM यहाँ पे बॉडी कलर मिलते हैं, सेम टू सेम स्कॉर्पियो क्लासिक वाले दिए हैं, और फेंडर में टर्न इंडिकेटर मिलता है ऑरेंज लेंस के साथ में, अनपेंटेड डोर हैंडल मिलते हैं जो इससे सिमिलैरिटी रखते हैं, बाकी रूफ रेल कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलती, TUV में मिलती थी, ABCD किसी भी पिलर में ब्लैकआउट यहाँ पे आपको नहीं दिए गए हैं, तो साइड का कुछ इस तरीके का लुक है। व्हील कवर अब आपको नए महिंद्रा के लोगों के साथ मिलते हैं। ओके, तो गाड़ी तो एक मिलिट्री टैंक की तरह दिखती है। दो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एक तो रियर व्हील ड्राइव है और दूसरी बॉडी ऑन लैडर फ्रेम है, स्कॉर्पियो की 3rd Gen चेसी पे बेस है। ये जो विंडो है खुल जाती है, रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, रेड और ब्लैक खासकर। अब चलते हैं गाड़ी के रियर की तरफ। पीछे आपको इस वेरिएंट में भी स्पॉइलर मिलता है, यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है LED वाला, विंडस्क्रीन में वॉशर वाइपर डिफॉगर सब दिया है, स्पेयर व्हील कवर जो है बॉडी कलर मिलता है नेट वेरिएंट में, नया लोगो रेड कलर में बहुत जच रहा है, बुलेरो की बैजिंग दी है, N8 यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाले रेड लेंस के साथ आपको बल्ब वाले टेल लाइट मिलते हैं जिसमें पार्किंग लाइट भी बल्ब की है, रिवर्स लाइट बल्ब वाली है, इंडिकेटर बल्ब वाले हैं, नीचे फॉग लैंप नहीं दिए, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, कैमरा देखने के लिए किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता, फुटस्टेप भी नहीं है लेकिन हाँ नीचे आपको क्लैडिंग मिलती है। तो ये हो गया, बाकी बुलेरो न्यू इधर मेंशन है। साइड से खुलने वाला टेलगेट मिलता है, ब्लैक अनपेंटेड डोर हैंडल यहाँ पे भी दिया है, रियर विंडस्क्रीन में वॉशर वाइपर डिफॉगर प्रेजेंट है, तो एक बार में कोई पीछे से ये नहीं पता कर पाएगा कि ये टॉप मॉडल है कि मिड मॉडल है, इसीलिए मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगता है। चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है, अनलॉक करते हैं, लॉक करते हैं और यहाँ से सर्च हो जाता है और बिल्कुल एकदम सॉलिड आवाज आती है। अगर इसका थर्ड सुनो, एकदम सॉलिड गाड़ी का फील देती है। पूरा इंटीरियर जो है वो बेज का ही आपको थीम के साथ मिलता है, डैशबोर्ड में आपको ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन दिया है, बाकी डोर ट्रिम में आपको ये चाबी अपन लगा देते हैं, इल्यूमिनेटेड की होल मिलता है यहाँ पे। ग्रैब हैंडल की बात करें तो बड़ा दिया है, ये भी आपको यहाँ पे ब्लैक ही देखने के लिए मिलता है, सिल्वर गार्निशिंग नहीं रही है, ये भी ब्लैक ही मिलता है, ये भी ब्लैक ही मिलता है, बट हाँ आपको बॉटल होल्डर बड़ा मिल जाता है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। आगे वाले डोर्स में पावर विंडो की कंट्रोल्स देखने के लिए नहीं मिलते,
पीछे वाले डोर ट्रिम्स में भी सारी प्लेसमेंट सेम ही देखने के लिए मिलती है। पीछे जो दरवाजे हैं उसमें आपको दरवाजे पे लोकेटेड पावर विंडो कंट्रोल मिलता है, आगे के लिए बीच में मिलता है। बाकी इस साइड पे आपको मिरर कंट्रोल नहीं है, ओआरबीएम वाले ओआरबीएम के आपको मैनुअल नॉब मिलते हैं, मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आते हैं ये। बाकी बीम लेवल एडजस्टमेंट, इको मोड, डिफॉगर। जैसे कि गाड़ी में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, बन जाता है। वाइपर भी दिए हैं पीछे, बाकी रेड पेडल नहीं दिए हैं यहाँ पे। सीट में सिर्फ आपको यहाँ पे रिक्लाइन का ही ऑप्शन मिलता है, हाइट एडजस्ट का नहीं मिलता और स्लाइड का मिलता है। ओके, बाकी आगे और पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही मिलते हैं। आर्मरेस्ट आपको पीछे भी नहीं मिलते, आगे भी नहीं दिए। गाड़ी में चढ़ने और उतरने के लिए फुट स्टेप तो देखिए नेसेसरी पड़ेगा। अब आ जाते हैं इंटीरियर में। सो स्टीयरिंग व्हील पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाते हैं, बट क्रूज कंट्रोल की कमी आपको यहाँ पे लगेगी। ऑडियो फोन ब्लूटूथ कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। ऑन करते हैं, ये इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल जिसका स्टार्टअप बुलेरो न्यू लिख करके आता है। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना के बता दिया कि बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी के साथ इसकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको मिल जाती है। अब तो यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आ गया है, तो इसमें ये सुहोने पर सुहागा हो गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी स्पीडोमीटर, टैकोमीटर मिलता है, सारी नेसेसरी वार्निंग लाइट मिल जाती है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो एडजस्टमेंट में सिर्फ टिल्ट देखने के लिए मिलता है और लेदर रैपिंग नहीं मिलती। नया लोगो हॉर्न पे काफी अच्छा जच रहा है ट्विन पीक वाला। बाकी हेडलैम्प स्टॉक्स है, फॉग लैम्प तो यहाँ पे दिए नहीं है, और ये है वाइपर स्टॉक्स। ऊपर की तरफ सन वाइजर में ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर मिलता है, को ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर मिलता है, फिक्स्ड कैबिन लैम्प मिल जाता है यहाँ पे, मूवेबल नहीं है, और मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ डे और नाइट फीचर के साथ आईआरबीएम मिल जाते हैं, माइक मिलता है। बीच में आते हैं तो जो भी आपके एसी के वेंट्स है ना उसमें आपको सिल्वर गार्निशिंग मिल जाती है, इसमें भी उसमें भी। सेंटर आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देखने के लिए नहीं मिलता है, नॉर्मल ब्लैक फिनिश में मिलता है, लेकिन ये सिल्वर गार्निशिंग प्रीमियम बना देता है। एसी के वेंट के नॉब है वो क्रोम में मिल जाते हैं। रिसेस मिलता है आपको और हार्ड प्लास्टिक का ही पूरा मटेरियल है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी के हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है बुलेरो नियो में, जो इटालियन कहलाते हैं, इटालियन मटेरियल। विजिबिलिटी अच्छी है इस गाड़ी की भी, बहुत अच्छी है, दोनों कोने इजीली विजिबल हो रहे हैं। डबल डिन यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है जो काफी अच्छी फंक्शनैलिटी के साथ आता है। इसमें आपको वॉइस मैसेजिंग सिस्टम भी मिलता है। Your vehicle is in eco mode. ये वॉइस मैसेजिंग सिस्टम भी इसमें मिलता है। बाकी सेटअप आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो, ये चीजें मिलती हैं, ये सारी चीजें मिलती है। टेलीफोन कंट्रोल इन्फो में आपको फ्यूल इन्फो, सर्विस इन्फो, अलर्ट्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बाकी इक्वलाइजर मिलता है, इन्फो बता चुका, ये 1 2 3 4 5 रैंडम बटन मिलती हैं। ये आपकी वैसे तो ये फ्रिक्वेंसी बढ़ाता या घटाता है, बट ये आपके जो है सिलेक्टर के तरह भी काम करता है, जो भी सेटअप वगैरह में आप जाते हो। ओके, ये फ्रिक्वेंसी भी कम ज़्यादा करता है। सोर्स आपको कौन सा चाहिए, रेडियो चाहिए या यूएसबी चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए, वो सब मिल जाता है इसमें। बैंड, कॉल काटना उठाना, ये सब मिलता है। और ये वॉल्यूम रॉकर, ऑफ करने का ऑप्शन, यहाँ पे आपके हजार्ड लैंप बटन मिलते हैं। मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल वाला एसी मिलता है, बट कंट्रोल अगेन सारे ही वेरिएंट्स में सेम आते हैं क्रोम के साथ में, जो प्रीमियम लगते हैं। ये फैन की स्पीड कम ज़्यादा करता है, ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करता है, ये पोजीशन चेंज करता है। एसी, एसी इकोनॉमी मोड और रिसर्कुलेशन बटन मिल जाती है।
यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट, यूएसबी टाइप ए पोर्ट मिलता है और ऑक्स पोर्ट भी मिल जाता है। बाकी गियर लीवर के सराउंडिंग में भी पियानो ब्लैक फिनिश है। एक आपको यहाँ पे रखने का ऑप्शन मिल जाता है सिक्के वगैरह। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलता है जिसकी फिनिशिंग काफी नॉर्मल टाइप है, ब्लैक ही है। सारे पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो यहीं पे आपको मिल जाते हैं। एक स्पेस यहाँ पे भी मिलता है। पार्किंग ब्रेक लीवर जो है यहाँ पे कोई भी क्रोम टिप के साथ नहीं आता। 3-cup होल्डर यहाँ पे भी मिल जाते हैं ओके। लेकिन कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलते यहाँ पे। ग्लव बॉक्स की बात करें तो सेम ही हर वेरिएंट में आता है, उतना ही स्टोरेज है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1 और 2 एयर बैग देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो हो गया इसके आगे की चीजें जो जो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, N8 भी वेरिएंट जो है वो वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज इसमें जितने फीचर चाहिए उतने फीचर आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल रहे हैं। पीछे चले, N8 वेरिएंट से जो सीट अपहोल्स्ट्री है वो फैब्रिक की देखने के लिए मिल जाती है, बेज कलर में, जिसमें आप चाहो प्यूर लेदर का कवर लगा सकते हो। थाई सपोर्ट इस गाड़ी का सबसे प्लस पॉइंट है, जो आगे भी आपको अच्छा मिलता है पीछे भी अच्छा मिलता है। दूसरा है कि यहाँ पे फ्लैट फ्लोर टाइप ही आपको मिलता है पूरा, तो आपको जगह पे की भी कमी नहीं होगी। 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट पहले आया करता था, अब नहीं आता। तो ये सामने का ओवरऑल इसका लुक है। पीछे चलते हैं। टेल गेट पे गत्ता देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप थर्ड रो विंडो भी खोल सकते हो, अच्छी तरीके से खुल जाएंगे। इसके अलावा काफी कम चौड़ी सीट्स मिलती हैं। एक स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी मिल जाता है। मेरे जैसे बंदा तो यहाँ पे एक भी फिट नहीं होगा। बूट स्पेस यहाँ पे काफी आपको अच्छा मिल जाता है सामान रखने के लिए ऊपर तक। यहाँ पे सिर्फ ग्रैब हैंडल मिलता है, कैबिन लैंप नहीं मिलता, ग्रैब हैंडल सारे फिक्स मिलते हैं। ये है रेड कलर का आपका बुलेरो नियो का एक वर्क अराउंड जो N8 वेरिएंट का था। चलिए आपको इसके इंजन से मुलाकात करा देते हैं। यहाँ पे 1.5 लीटर का 3-cylinder M-Hawk डीजल इंजन मिलता है जो कि 100 bhp की पावर और 260-270 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एक चीज आपको अंतर ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे वो ब्लैक वाला जो ऊपर का ढक्कन होता है वो नहीं है, तो इस वेरिएंट में वो यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी सारे कंपोनेंट आपको इजीली विजिबल हैं। बोनेट में बेहतरीन इंसुलेशन प्लेट का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। ये था रेड कलर की बुलेरो नियो N8 का एक रिव्यू छोटा सा जो मैंने आपको दिया। 12 लाख ऑन रोड कीमत करीब आपको इसकी पड़ जाती है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंसली एंड बाय बाय।